ग्वालियर में देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला का आज वर्चुअल उद्घाटन हुआ, जिसका संचालन 10,000 गायों से प्रतिदिन 100 टन गोबर का उपयोग कर किया जाएगा। इस गौशाला में स्थापित किए गए कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र से रोजाना 3 टन CNG और 20 टन जैविक खाद का उत्पादन होगा। ये संयंत्र कार्बन उत्सर्जन को रोकने और पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला ग्वालियर के लाल टिपारा में बनकर तैयार हो गई है। इस परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली किया। गौशाला में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो CNG प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट में रोजाना 100 टन गोबर का उपयोग कर 3 टन CNG और 20 टन जैविक खाद का उत्पादन किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इस प्लांट के संचालन और रखरखाव में भी सहयोग करेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव वर्चुअली शामिल हुए, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इस CNG प्लांट को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सामाजिक जिम्मेदारी निधि से 32 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है और भविष्य में विस्तार के लिए हेक्टेयर भूमि आरक्षित रखी गई है। उन्होंने बताया कि गौशाला के लिए सांसद निधि से 2,000 गायों के लिए आधुनिक शेड निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। शुभकामनाएं दी हैं बापू महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती पर, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म जयंती पर, और इसी दिन पर हम एक बार फिर 10 साल के सफल स्वच्छ भारत अभियान के पर्व पर एक और संकल्प लेते हैं कि भारत में एक नई स्वच्छता की क्रांति मिलकर हम लोग लाएंगे। आज लाल टिपारा के आदर्श गौशाला में भी 31 करोड़ रुपए का बायो CNG प्लांट का उद्घाटन भी किया गया है। इससे ग्वालियर शहर और वासियों को बहुत लाभ मिलेगा। आज हम आदर्श गौशाला लाल टिपारा में हैं। हम सब जानते हैं लाल टिपारा गौशाला में अष्टानंद जी महाराज, ऋषभ देव जी महाराज और बाकी उनकी पूरी टीम लगातार गौ सेवा की दृष्टि से अभूतपूर्व काम कर रही है। मुझे प्रसन्नता है CSR मद से, केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के योगदान से आज बायो CNG प्लांट 31 करोड़ रुपए की लागत से लगाए। यह भी स्वच्छ भारत अभियान का एक अंग है, वेस्ट टू वेल्थ की दृष्टि से एक नया आयाम है और मैं समझता हूँ कि इससे गौशाला की भी प्रगति होगी और नगर के लोगों को भी लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेस्ट टू वेल्थ विकास नीति के प्रति आभार व्यक्त किया और संत समुदाय को धन्यवाद दिया जो गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस प्रयास को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग देगी। बता दें कि इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट पहले ही चालू हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और अब ग्वालियर में ये प्लांट शुरू हो रहा है। ग्वालियर की लाल टिपारा गौशाला को आदर्श गौशाला के रूप में विकसित किया गया है, जहां 10,000 गायों की देखभाल की जा रही है। ग्वालियर नगर निगम और संत समुदाय के सहयोग से इस गौशाला में जल्द ही एक इंक्यूबेशन सेंटर भी शुरू किया जाएगा, जिससे स्थानीय नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके फायदे क्या होंगे, आइए वो जानते हैं। प्लांट की विधिवत संचालन से प्रतिदिन 2 से 3 टन बायो CNG और 20 टन उच्च गुणवत्ता की जैविक खाद का उत्पादन होगा। इससे ग्वालियर नगर निगम को लगभग 7 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण संरक्षण में संयंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्लांट से मिलने वाली जैविक खाद से ग्वालियर और आसपास के इलाकों में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जिससे गौशाला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी। ग्वालियर की आदर्श गौशाला में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बायो कंप्रेस्ड संयंत्र उपकरण का आज यहां पर लोकार्पण हुआ है और उन्होंने वर्चुअली इस कार्यक्रम में शिरकत कर इसका शुभारंभ किया है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष एवं सांसद भारत सिंह कुशवाहा, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बायो CNG प्लांट के शुभारम्भ पर सभी को शुभकामनाएँ दी। इस प्लांट से
टन से अधिक गैस का उत्पादन होगा, जिससे यहाँ के लोगों सहित प्रदेश और देश के लोगों को सीएनजी उपलब्ध हो सकेगी।